अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं तुम सारे खैर करिए दे नाल होवोगे, हंसते रहो, आबाद रहो ते सानू अपनी दुआ में याद रखो। मैं तजम्मल सरवत चौक आजम, तो तुसी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो पिंड दा मुंडा 401। अज असीं तुहानू लैके आए हां मौत दे खूह ते, तुसी साडे नाल जुड़े रहना और साडी वीडियो नू बिना स्किप किए हुए शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखना। हमेशा की तरह तमाम नए आने वाले साथियों को गुजारिश है कि साडे चैनल नू सबसक्राइब करो और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, नाल लगे हुए घंटी के बटन को दबाना मत भूलना ताकि साडी हर नई मजीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक बासानी पहुँच सके, क्योंकि साडी यह वीडियो सिर्फ तुहाडे वास्ते हुंदी है। असीं स्पैशली इन्नी सर्दी दे विच अपना गर्म बिस्तर छड़ के आए हैं तुहाडे वास्ते, तुहाडे वास्ते वीडियो बना रहे हैं, तो तुसीं साडी वीडियो नू बिना देखे हुए चले जाओ तो फिर वीडियो बनाने का कोई मज़ा नहीं आता। मौत दे खूह तुसी ऑलरेडी देखे होने ने, लेकिन आज थोड़ा जा डिफरेंट हो रहा, क्योंकि बाइक चलाने वाला बाबा है, बुजुर्ग बाइक चलाएगा तो देखना तुसी। साडे बुजुर्ग माशाल्लाह इतनी सर्दी दे विच हिलजुल भी नहीं सकते, और यह बुजुर्ग ने जिहड़ा तुसी देखना कि बाइक नू दोनों हाथ छड़ के बाइक मौत दे खूह दे अंदर चला रहे हैं। एक चीज़ है तुसी ख्याल करना है, इन्होंने एक साडी वीडियो वेखण तों बाद तुसी अपने बाबे नू भी कहो बाबा जी तुसी गर्म शर्म हो के अंडे शंडे खा के तुसी भी बाइक चलाओ, इस तरह बिल्कुल नहीं करना, हरगज़ नहीं करना, क्योंकि साडे बुजुर्ग यह काम नहीं कर सकते। इन्हां दी स्पैशली ट्रेनिंग हुई हुंदी है बचपन तो ही, तो यह काम जिहड़ा हर किसी का तुहानू पता कि पेशा जिहड़ा वह पेशा ही हुंदा वा, तो इन्हां नू यह पेशा जिहड़ा इन्हां दा वा तो वह सूट करदा, साडे बाबियां नू यह पेशा सूट नहीं करदा। तो तुसी साडे नाल जुड़े रहो और साडी वीडियो नू देखना कि यह बाबा जी किस तरह बाइक स्टार्ट करदे ने, इस तरह बाइक का स्टंट करते हैं, दोनों हाथ छड़ के बाइक चलाएंगे, तो तुम भी इंजॉयमेंट करो तो असी भी इंजॉयमेंट करते हैं। एक चीज़ तुम देख रहे होने के खूह के अंदर जिहड़ा इन्होंने थले दरवाजा छोटा जिहा खोलिया होया, तो यह जिस टाइम भाजी बंद करेंगे तो उस टाइम यह बाइक नू चलाएंगे, तो हाले तक यह बाइक नू स्टार्ट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर तो इन्हां दी बाइक जिहड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि इस बाइक की कोई किक शिक नहीं है, तो यह चक्के नू इहदे पिछले टायर नू घुमा के इहनू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। असीं काफ़ी देर तो इन्हां दा वेट कर रहे हैं, तो यह नाल जिहड़ी आ धूम सर्कल लगी हुई है चौक आजम दे, तुसीं अपनी फैमिली दे नाल अपने बच्चों के नाल इस जगह पर आ सकते हो, और सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, सर्दी का तुसीं खास ख्याल करना, क्योंकि सर्दी तो जिहड़ा अजकल बच्चे काफ़ी बीमार हो रहे हैं, तो यह ना होवे कि तुसीं साडे मशवरे ते लग के अपने बच्चों बीमार कर बैठो। स्टार्ट होने का असीं भी वेट कर रहे हैं, तो तुसीं भी वेट करो, तो यह भाजी हुणी जिहड़े ने बार बार बाहर आ रहे हैं अंदर जा रहे हैं, तो असीं इन्हां दा वेट कर रहे हैं। पहले असीं सोचा कि जिहड़े दो नौजवान खड़े ने यह बाइक चलाएंगे, लेकिन हुण जिहड़े बाबा जी हुणी बाइक ते फाइनली जिहड़े ओह बहन लगे ने, क्योंकि बाइक जिहड़ी इन्हां दी ओह स्टार्ट हो गई है, तो तुसीं देखना बाबे जी उन्हां दा करतब दोनों हाथ छड़ के बाइक नू चलाएंगे, तो यह हुण दरवाज़ा जिहड़ा इन्होंने बंद कर दिता, तो हुण यह जिहड़ा दूसरा फट्टा ला रहे ने, तो बाइक का जिहड़ा वह काफ़ी शोर है, असीं इहदी जिहड़ी ओरिजिनल आवाज़ आ वह असीं नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तुहानू साडी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। वैसे इन्हां दी बाइक देख रहे हो, मैनू अपनी बाइक भुल गई है, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी पुरानी और खस्ता हाल जी बाइक आ, तो मैनू अज एक दोस्त मेरा मशवरा भी दे रहा है कि यार इस बाइक पर भी एक वीडियो बना ला, मैं क्या इंशाल्लाह बनावांगे, थोड़ी जी होर जरा पुरानी हो लवे उस तो बाद बनावांगे, क्योंकि सानू पुरानी पुरानी जगह पर जाने का पुरानी शैमा बनाने का साडा जिहड़ा वो एक शौक है, तो इंशाल्लाह असीं उहदे ते भी बनावांगे। तो बाबा जी हुणी जिहड़े ने वो अपना स्टार्ट हो गए ने, अल्लाह खैर करे, दुआ करते रहना बाबा जी उन्हें वास्ते, क्योंकि काफ़ी ठंड है, तो सामने हॉस्पिटल भी है जिथे यह मतलब मौत का खूह लगा हुआ, तो यह बाबा जी होनी जी हूँ 120 की स्पीड से इन्होंने जी स्पीड फड़ ली है, तो साड़ी जी वीडियो वा वो भी असं बार बार इधर उधर कैमरा जरा अपना घुमा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तुहानू भी असं दिखाइए कि उन्होंने हूँ थोड़ी देर तक इन्होंने जो हाथ छड़ देने ने, तो हाथ छड़ के इन्होंने बाइक चलानी है और पैसे शैसे भी फड़ देने, मतलब है जो हम लोग खड़े हुए हैं तुम देख रहे हो मौत के खूह वेखण वास्ते इन्होंने को पैसे भी पड़ने हाथ चढ़ के, और माशाल्लाह अजकल जिहड़ा ना रात नूं इन्हां दी बाइक दा शोर आ गूंज आ पूरे चौक आजम दे विच गूंज रही हुंदी आ, क्योंकि अजकल जिहड़ी है सर्कस आ मौत दा खूह आ सारा कुछ अपना चौक आजम खुर्शीद स्टेडियम मुल्तान रोड ते आया होया वा, तुसीं अगर आना चाहो तो बिला झिझक आ सकते हो, क्योंकि इत्थे सिक्योरिटी माशाल्लाह काफ़ी टाइट है, और तुसी अपनी फैमिलीज के नाल भी आ सकते हो, बच्चों नाल भी आ सकते हो, क्योंकि तुसी ऑलरेडी देख रहे होने के बच्चे भी ने और फैमिलीज भी काफ़ी तादाद के मौजूद ने, और सर्दी की वजह से क्योंकि इन्हों के तीन शो होंगे ने, सर्दी की वजह तो इन्हों का जो धूम सर्कस का शो वा वो भी फिल वक्त एक लग रहा रात को 9 बजे।
एक चीज़ तुम भी नोट कर रहे होने के जो पिंड के मुंडे की हो गया कि इतने अपना वो मौत के खूह शू सू दिखा रहे हो भाई जी ठंड काफ़ी है असी बाइक तो कितने जा नहीं सकते असी इंशाला अपना जावे करोड़ का असी टूर कर रहे हैं इंशाला करोड़ हो गया अपना लहीया हो गया सीधा लहीया के अंदर जितने भी पुरानी और कदीमी जगह ने असी उस जगह पर जरूर जावे सिर्फ असी मौसम का थोड़ा जहा इंतजार कर रहे हैं कि अपना धुप्पा छुप्पा जरा लग लैन तो धुप्प लगेगी असी इंशाला निकलेंगे ताडे वास्ते वो सारे जो अपने जिला लहीया के अंदर जितनी भी कदीम जगह ने उत्थे जावे और ताडे वास्ते असी वीडियोज़ बनाते रहेंगे और तुहाडे दोस्तों नाल भी साडी रिक्वेस्ट है कि तुहाडे इलाके दे विच तुहाडे एरिए दे इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह होवे कदीमी जगह होवे और सानू तुसी कमेंट सैक्शन दे विच दस सकदे हो इंशाल्लाह असी विजिट करांगे और उस दे बारे भी असी वीडियो जरूर बनावांगे। लो भाजी शो खत्म हो गया तो इंतज़ार करो अगले शो का। अगर तुसी लाइव शो देखना चाहते हो तो आ सकते हो मोस्ट वेलकम जी आया नू। तो हुण असी चलते हैं सामने बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए हैं उस साइड जाने तो अपना तुहानू भी नाल नाल असी दिखाने हैं। माशाल्लाह इन्नी सर्दी के इन्होंने पूरे शहर चौक आदम के रौनक लाइया हुई ने। सर्दी काफ़ी ज़्यादा वा लेकिन फिर भी लोग जोड़े वो तड़ा तड़ आ रहे हैं और शो भी देख रहे हैं और यह जरा मौत का खूह भी आ रहे हैं तो मतलब रौनक लगी हुई बच्चे भी आ रहे हैं स्पैशली आ झूले वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा रश है। सब तो ज़्यादा जो रश है वह बच्चों का झूले लैन आ रहे हैं और जी धूम इंटरनेशनल जी सर्कस है सामने इन्हों का शो का टाइम भी लग्या हुआ मतलब फैमिलीज़ भी ने बच्चे भी ने तुम देख रहे हो सामने अपना जो इन्होंने वो कश्ती बोट होंगी है वह भी इन्होंने लाई हुई है और एक घूम वाला जो झूला वो अगे जा चल के तुम दिखाने वह भी इतने मौजूद है और इस साइड जो इन्होंने लाया हुआ अपना भूत बंगला वह भी है और बच्चों वास्ते यदि राइट साइड तुम देख रहे हो स्लाइडिंग भी है मतलब बच्चे फुल इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों तुम्हें पता कि वैसे जो सर्दी नहीं लगती तो सर्दी लगती है भाजी साडे वर्गियां बच्चों बिल्कुल सर्दी नहीं लगती और बच्चे स्पैशली जिस टाइम अपना भजते हैं दौड़ते हैं झूले वगैरह लेंदे ने तो उन्होंने सर्दी वैसे खत्म हो जाती है तो बच्चे जड़े ने तुम्हें पता कि जिस टाइम जी सर्कस आई हुई है माँ बाप में भी नहीं घर के टिकन दे रहे तो वो कह रहे हैं कि चलो साढ़े नाल सानू झूले वगैरह लैके दो और असी सर्कस के स्पैशली जो भूत बंगले वगैरह इन्ह चीज़ों के शौक रखते हैं और सामने जो असी तुम अपने पिछले व्लॉग के अंदर लैके गए थे कि जानवरों का भी लगा हुआ क्योंकि यह जो वो स्पीकर के अंदर कर रहे थे ऐलान कर रहे थे कि भाजी खोता खाने की बला आई हुई है तो असी भी वो तुम्हें दिखाई कि जी खोता खाने की बला कि होंगी है तो तुम बिल्कुल नहीं डरना तुम बिला चीज़ा खा के अपना यह भी तुम अपना जानवरों का विजिट कर सकते हो। सात का लफ्ज़ तुम कह सकते हो जंगल के मंगल लगा हुआ क्योंकि यह जो मेला लगा हुआ वह भी जंगल के बिल्कुल नाल है मुल्तान रोड से तुम्हें पता कि जंगल शुरू हो जाता तो जंगल तो पहले जो अपना बाईपास से यह मेला लगा हुआ खुर्शीद स्टेडियम। उम्मीद करते हैं कि अज का साडा व्लॉग भी तुहानू जरूर पसंद आया होगा। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ वेखण वास्ते जिन्हां दोस्तों ने सानू सबसक्राइब नहीं किया होया उन्होंने गुजारिश है कि साडे चैनल में सबसक्राइब करो शेयर करो और नाल लगे हुए घंटी के बटन में दबाना मत भूलना ताकि साडी हर नई मजीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक आसानी पहुँच सके। तो इस नाल सानू तो इजाजत मिलते हैं अपने नवें व्लॉग अंदर। अल्लाह निगहबान।